तो हम लोग के वीडियो में बहुत दिन बाद ये ट्रेडिंग कोर्स फिर से आ रहा है, क्योंकि ये ट्रेडिंग कोर्स बहुत पहले मैंने बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था तो इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। इसमें इस पर बहुत सारा कमेंट आया था कि इसको कंटिन्यू करो। तो यहाँ पर आज हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें अभी तक हम लोग जो चीज़ कवर कर चुके हैं वो कैंडलस्टिक्स को कवर कर चुके हैं, पैटर्न्स को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग को ट्रेंड्स को कवर करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कवर करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों चीज़, ठीक है। तो आज हम लोग इस दोनों चीज़ को देखने वाले हैं और ये कोर्स कंटिन्यू होगा। इस कोर्स का सारा जितना भी टॉपिक्स है वो सारा कवर किया जाएगा धीरे धीरे, ओके। तो आज हम लोग समझने वाले ट्रेंड्स के बारे में और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है वो सारा चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ट्रेंड्स तीन टाइप का होता है। एक होता है अप ट्रेंड, मतलब मार्केट ऊपर आता है। एक होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट नीचे आता है। एक होता है रेंजिंग मार्केट, मतलब मार्केट साइडवेज है, इसको साइडवेज भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे बेसिकली बताए, सबसे ज़्यादा बेसिक तरीके से अगर बताया जाए तो आप चार्ट को देख के ही आपको पता चल जाएगा मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो उससे भी ट्रेंड का अंदाज़ा लग जाता है। यहाँ पे बहुत लोग मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं कि 200 डे के ऊपर है तो मतलब अप ट्रेंड है, उसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड है, 200 डे अगर फ्लैट है मूविंग एवरेज तो वो रेंजिंग मार्केट, ऐसे भी पता चलता है। लेकिन यहाँ पे आज हम लोग अलग तरीके से देखेंगे प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, अगर मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, ये एक स्विंग है क्योंकि मार्केट यहाँ से बेंड हुआ, ये एक स्विंग है, ये सारा स्विंग्स है, ठीक है, चार्ट पैटर्न है। चार्ट में भी हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो जब भी मार्केट, इसको क्या बोलते हैं, हाई, ये हाई है, ठीक है, और ये क्या है, लो, क्योंकि ये ऊपर बना है तो हाई स्विंग है, ये नीचे बना है तो लो स्विंग है, ठीक है। और ये क्या है हमारे, ये हायर हाई है, ये क्या है, हायर लो। इसको हायर हाई क्यों बोले, क्योंकि इस हाई से हाई है, ठीक है, और इसको हायर लो क्यों बोले, क्योंकि इस लो से हाई है, ओके। तो जब भी हायर हाई बनता है और हायर लो बनता है तो ये देखने से भी लग रहा है अप ट्रेंड है, तो इससे अप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन होता है कि हाँ मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं डाउन ट्रेंड में कैसा प्राइस एक्शन होता है। तो ये एक हाई है, ये एक लो है, ओके। अब ये एक और हाई है, ये एक और हाई है जो इस हाई के नीचे बना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाई, और इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो। तो जब भी लोअर हाई लोअर लो बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है। अप ट्रेंडिंग में क्या होता है, हायर हाई हायर लो बनता है, डाउन ट्रेंडिंग में लोअर हाई लोअर लो बनता है। तो ऐसे होता है डाउन ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन, जो आपको ग्राफ देखने से भी सिंपली पता चल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का एक है रेंजिंग मार्केट, साइडवेज रेंजिंग मार्केट। तो ये कैसा होता है, इसमें स्विंग्स बनता है एक ही दो लेवल के बीच, जैसे ये एक लेवल है, ठीक है, और ये एक लेवल है, ठीक है। इसी दोनों लेवल के प्राइस ना तो इसके ऊपर आ रहा है ना ही इसके नीचे आ रहा है, इसी के बीच में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये साइडवेज मार्केट बोलते हैं इसको। तो तीन टाइप का ट्रेंड हम लोग देख चुके हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब कैसे बनाते हैं, और चार्ट के हेल्प से देखें जिससे आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर चार्ट में हम लोग देखते हैं,
तो जैसे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो ये हम लोग को देखने से भी पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर जो लॉजिक अभी हम लोग समझे हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मार्केट एक लोअर लो बनाया, हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। तो ये हायर लो है, हायर लो, ये हायर हाई है, ओके, ये हायर हाई है। तो यहाँ पे हायर हाई, हायर लो बन रहा है, तो ये क्या हम लोग को बताता है कि ये एक अप ट्रेंड है, ओके। तो ये एक अप ट्रेंड है, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पता चल रहा है। और ये एक डाउन ट्रेंड कैसे, यहाँ पे मार्केट लो बनाया, फिर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, तो लोअर लो, लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक डाउन ट्रेंड हम लोग को पता चल रहा है, ठीक है। ऐसे होता है हम लोग का ट्रेंड्स आइडेंटिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड लाइंस कैसे बनाया जाता है चार्ट में, ओके। तो जब भी हम लोग कोई ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो दो पॉइंट मिनिमम कनेक्ट होना चाहिए, और दो से ज़्यादा पॉइंट भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन मिनिमम टू पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ये एक स्विंग है, इसको हम लोग इस चीज़ से कनेक्ट किए तो एक ट्रेंड बना, ये एक ट्रेंड है। इसको और एक्सटेंड किया जाए तो यहाँ पे भी ट्रेंड, तो ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन है। क्यों, यहाँ पे टचेस कितना है, जितना ज़्यादा टचेस होगा उतना एक्यूरेट आप लोग का ट्रेंड लाइन होगा। एक टच यहाँ पे, दूसरा टच यहाँ पे, तीसरा टच यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन मिल के प्राइस नीचे चल जाए, ओके। तो ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। और क्या ट्रेंड लाइन हम लोग बना सकते हैं, क्या ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है? देखा जाए तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहाँ टचेस है, यहाँ टचेस है, मिनिमम दो टचेस है, यहाँ ब्रेक डाउन मिला है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानना ये है कि ट्रेंड लाइन कुछ भी बन सकता है, वो एक्यूरेट गलत कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप जैसे हिसाब से, अपने हिसाब से ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, लेकिन लोग का गलती यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वो कोई भी ऐसा ट्रेंड लाइन बना दिए, यहाँ ब्रेकआउट दिखा तो यहाँ पे शॉर्ट करके इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये सब चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बना लिए, यहाँ शॉर्ट करके ये प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट पर कभी डायरेक्ट ट्रेड लेना नहीं चाहिए आप लोग को, और कन्फर्मेशन चाहिए। तो वो कन्फर्मेशन आप लोग को फीबो के लेवल में मिल सकता है। जैसे हम लोग बता सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो हमारे पास एक और कन्फर्मेशन है। अगर यहाँ फीबो लगा है तो फीबो का 61.8 के लेवल यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बस ट्रेड नहीं लिए, फीबो का सपोर्ट लेके ट्रेड लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन मिला, उसके बाद ट्रेड लिए। तो क्या यहाँ पे ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया जाता है? कभी भी नहीं, उसके साथ कन्फर्मेशन चाहिए। तो कन्फर्मेशन का एक बहुत अच्छा वीडियो मेरे चैनल पे है, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। जब भी आपको कॉन्फ्लुएंस पॉइंट या कॉन्फ्लुएंस लेवल मिलेगा ट्रेडिंग में, तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो उसको समझने के लिए आप ट्रेडिंग कोर्स मेरे चैनल पे आएंगे, तो मेरे चैनल पे ये वाला वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। इसमें मैंने कॉन्फ्लुएंस पॉइंट के बारे में बताया, मल्टीपल कन्फर्मेशन के बारे में बताया, जिसके बेसिस पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ये सब ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ को देख लेना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कोई भी ट्रेंड लाइन सही या गलत नहीं होता, अगर मल्टीपल टचेस है तो वो ट्रेंड लाइन आपका वैलिड है, लेकिन बस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन पर ट्रेंड नहीं ले लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किसी ने ये ट्रेंड लाइन बनाया होगा, दो टच है और यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, तो यहाँ पे बाय कर लिया होगा, लेकिन उसके बाद वाला ही अगर हम लोग कैंडल स्टिक को देखें तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो इसीलिए ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है नया ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ ब्रेक डाउन मिला, और कोई रीज़न था क्या यहाँ ट्रेड लेने का? रीज़न शायद आप लोग के पास नहीं था। तो इसीलिए मल्टीपल रीज़न होना बहुत ज़रूरी है ट्रेंड लाइन बनाते वक्त और उसके बेसिस पर ट्रेड लेते वक्त। जैसे ये एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे क्या सपोर्ट यहाँ पे ले चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई फीबो लेवल होगा या कुछ और कन्फर्मेशन आपको मिल रहा होगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड आप नहीं ले सकते, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। और ट्रेंड लाइन ऊपर वाला स्विंग से भी बना सकते हैं। जैसे ये एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है।
रेजिस्टेंस मतलब प्राइस उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, सपोर्ट मतलब प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो बहुत लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऐसे ड्रॉ करते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बना देंगे, तो यहाँ पे अगर मल्टीपल जगह प्राइस यहाँ पे रिएक्ट किया, जैसे प्राइस यहाँ से नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ठीक है। फिर प्राइस यहाँ आया, यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से भी नीचे गया, तो ये मल्टीपल बार प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर चुका है, तो ये प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन मैं कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं बनाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैं हमेशा बनाता हूँ एक रेंज, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही लेवल पे प्राइस रिएक्ट करे, प्राइस उस रेंज में रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इस रेंज से रिएक्ट किया, इस रेंज से रिएक्ट किया, यहाँ से रिएक्ट किया, यहाँ से रिएक्ट किया, ठीक है। अब बताता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने में प्रॉब्लम क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो यहाँ पे एक्जैक्टली सपोर्ट लिया, यहाँ पे बहुत लोग को दिखेगा कि ये ब्रेकआउट मिल गया है, तो यहाँ बहुत लोग बाय कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है, ऐसे बाय नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे एरिया बनाएंगे, ये एरिया बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा कि ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया है। जब भी इसको प्रॉपर ब्रेक करके यहाँ रीटेस्ट करके ऊपर नहीं जाता है, हमको बाय नहीं करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग सपोर्ट एरिया, इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, इसको नीचे प्राइस को सेंड किया है। और वैसे ही अगर हम लोग को कोई सपोर्ट एरिया बनाना है तो वो कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस चीज़ को, ठीक है, तो एक लेवल रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। जैसे ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया है, तो ये एक सपोर्ट हो गया इसके लिए, लेकिन यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लिया है। तो जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट था इस लेवल के लिए, अब ये सपोर्ट अब ब्रेक हो गया, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम किया है, तो यहाँ रेजिस्टेंस लेके फिर आया है। तो ये इंटरचेंज होते रहेगा, सपोर्ट बन सकता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बन सकता है सपोर्ट। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि आपको एक जोन बनाना है, ये हो गया सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन, ये बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ये जोन है, ओके। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। फिर प्राइस इसी जोन के आसपास रिएक्ट किया है, तो ये पहले रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया, अब सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग बनाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोग देख चुके हैं कि जब भी हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे ये सपोर्ट है, तो मेरे पास एक मल्टीपल कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ बाय करना है, तो बाय करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ मिल जाएगा। तो मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आज के लिए हम लोग देख चुके हैं कि ट्रेंड्स कैसे बनाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म करते हैं, हम लोग कैसे जोन बनाते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा जो मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, तो उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखनी है। उसके लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक। फिर मिल लगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।